नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है जयपुर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। दोस्तों यह ट्रेन जानकारी जून की समय सारणी के अनुसार है। दोस्तों यह ट्रेन वाया कोटा भोपाल नागपुर के रास्ते चलती है। दोस्तों इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं जयपुर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो सप्ताह में दो दिन रविवार था शुक्रवार को जयपुर जंक्शन से चेन्नई सेंट्रल के बीच चलती है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके ट्रेवल टाइम की तो यह जयपुर से चेन्नई सेंट्रल के बीच 2184 किलोमीटर की यात्रा लगभग 36 घंटे 45 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच है 27 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 59 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस ट्रेन में लगने वाले कोच की तो इसमें LHB रेक श्रेणी के फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास तथा सेकंड सीटिंग के कोच लगते हैं। दोस्तों यह ट्रेन पूर्ण रूप से आरक्षित ट्रेन है। दोस्तों अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पर जाकर एक बार अवश्य चेक कर लें। दोस्तों इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच लगा होता है जो खाना प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो इसमें जयपुर से चेन्नई सेंट्रल के बीच Wave 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगता है। तो आइए दोस्तों इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों जयपुर चेन्नई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो जयपुर जंक्शन से शाम को 7:35 पर रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन दुर्गापुरा 7:43 पर पहुंचती है। 3 मिनट के ठहराव के बाद 7:46 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते स्वाईमाधोपुर जंक्शन 9:25 पर तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 9:35 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते कोटा जंक्शन 10:50 पर तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचते रामगंज बंडी जंक्शन रात को 11:53 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 11:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे भवानी मंडी 12:18 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 12:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे सामगढ़ 12:43 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 12:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे नागदा जंक्शन 2:55 पे तथा 15 मिनट के ठहराव के बाद 3:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे उज्जैन जंक्शन 4:05 पे था 10 मिनट के ठहराव के बाद 4:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे बेरछा 5:07 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:09 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे सुजालपुर 5:44 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:46 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे सीहोर 6:17 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:19 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे संत हिरदाराम नगर 6:58 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 7 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे भोपाल जंक्शन 7:20 पे तथा 10 मिनट के ठहराव के बाद 7:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे रानी कमलापति 7:43 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:45 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे इटारसी जंक्शन 9:20 पे तथा 5 मिनट के ठहराव के बाद 9:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे बैतूल 10:58 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 11 बजे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे पंदूरना 12:09 पे था 1 मिनट के ठहराव के बाद 12:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे नागपुर जंक्शन 2:10 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 2:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे सेवाग्राम जंक्शन 3:08 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 3:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे चंद्रपुर 4:48 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे बलारसा जंक्शन 5:50 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 5:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे सिरपुर कागजनगर 6:39 पे था 1 मिनट के ठहराव के बाद 6:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे मंचीरियाल 7:19 पे था 1 मिनट के ठहराव के बाद 7:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे वरंगल 9:10 पे था 5 मिनट के ठहराव के बाद 9:15 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे विजयवाड़ा जंक्शन रात को 1 बजे था 10 मिनट के ठहराव के बाद 1:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे नेलोर सुबह 4:34 पे था 1 मिनट के ठहराव के बाद 4:35 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचे कुडूर जंक्शन 5:34 पे था 1 मिनट के ठहराव के बाद 5:35 पे यहाँ से रवाना हो जाती है तथा इसके बाद पहुंचे चेन्नई सेंट्रल सुबह 8:20 पे तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।